देते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेक्टर ऑफ सर्कुलर लूप। तो सर देखो यहाँ पे सपोज ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस आर है, ओके, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड वी आर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर अपने को क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे डीएल। इस स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट पॉइंट ओ से एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, डीबी इक्वल टू क्या होगा, आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो डीबी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल। ये हुआ किसके कारण, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब क्या करना है अपने को, टोटल सर्कुलर सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल, और डीएल यानी ये सबको हम लोग एड करेंगे, क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस आएगा इसका, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, 1 पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 2 4 यानी बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ड्यू टू कंप्लीट सर्कल। अब देखो यहां पर हम देखते हैं ड्यू टू सर्कुलर आर, ये तो क्या है, सर्कुलर लूप हो गया, अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के कारण क्या होगा, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, वो सर्कुलर लूप था। तो सपोज ये सर्कुलर आर्क है पी क्यू, इसका पॉइंट ओ है, ओ इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सर्कुलर आर्क का टोटल लेंथ कितना है, एल है, रेडियस आर है, अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वैसे ही स्मॉल एलिमेंट ले लिए डीएल, उसका पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या है, आर ही रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल के लिए बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएल, डीएल यानी हो गया पूरा लेंथ एल, तो बी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एल, एल यानी लेंथ ऑफ आर्क। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एल अपॉन आर, एल यानी आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल होता है। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एंगल थीटा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप के आर्क का के कारण पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमको फॉर्मूला पता चल गया है अब कि ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये हो गया ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ये क्या होगा, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट पॉइंट पी, और सेकेंड अगर यही क्या है एंड पॉइंट पर है, इधर है पॉइंट पी ए डिस्टेंस पे, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए था। थर्ड क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ड्यू टू सर्कुलर लूप। क्या मिला फॉर्मूला, ड्यू टू सर्कुलर लूप बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये सर्कुलर लूप सेंटर में,
पॉइंट ओ है आर डिस्टेंस पे, और ड्यू टू सर्कुलर आर्क बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू थीटा, थीटा क्या है एंगल है। ओके तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से हम लोग आगे मैग्नेटिक फील्ड आप डिफरेंट फिगर फाइंड करेंगे। तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।